नमस्कार दर्शकों, मैं सनोज रावत दिल की बात एनपी फिल्म का साथ में आज आपको हार्दिक स्वागत कर दूँ। आज मैं आपकी मुलाकात कर लो लोक गायक बहुमुखी प्रतिभा का धनी हमारा बड़ा भाई पदम गोसाई जी से, जन की मैं बात करूँ छा उत्तराखंड का सुपर स्टार बड़ा भाई पदम गोसाई जी से। नमस्कार गोसाई जी, दिल की बात एनपी फिल्म का ये कार्यक्रम में आपको और आपकी धर्मपत्नी को हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप तभी हमारो नमस्कार। और एनपी फिल्म का मैं बहुत बधाई का पात्र छे आप लोग जो पूरे टीम आपकी जो ये काम तय करना छन, और मैं स्वागत कर दूँ और धन्यवाद कर दूँ आपको कि आप आज हमारा जो जीवन परिचय छा हमारा जो कार्य ये क्षेत्र में करो छा वे का सारी पब्लिक थे हमारा उत्तराखंड का जो संगीत प्रेमी छन वो तक एन पी फिल्म का माध्यम से उनते बताना तय, और आप हमारा ये स्टूडियो में पहुँचें हमारा निवास में पहुँचें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद गोसाई जी, सबसे पहले आप हमते अपना बारे में कुछ बताओ। मेरे मूल गांव जो छा ग्राम स्यूल पट्टी बमुंड नागनी क्षेत्र पड़ दो चंबा का अंतर्गत छू, और मेरा स्वर्गवासी पिताजी स्वर्गीय श्री रतन सिंह गोसाई और माता जी को नाम नारदेवी देवी छा, और हम लोग पाँच भाई तीन बहन छा, और आप मेरा बगल में छा मेरी धर्मपत्नी सीता गोसाई आपको नौ छे, और मेरा तीन बालक छन दुई लड़का और एक लड़की। आप कलाकारी क्षेत्र में कन गए आए? जी जी जी, कलाकारी क्षेत्र में मैंने आपने बताया कि हम पूर्व हमारा जो परिवार था विरासत में हमते यूँ मिली, और जब मैं दिल्ली गई हूँ पढ़ाई का वास्ता, देखो विरासत जो कलाकारी जो क्षेत्र था हमारा पूरा परिवार पर माँ सार देखो आशीर्वाद रहे, और हमारा घर में जो माहौल था कि हमारे पिताजी पवाड़ा जागर या हमारा भाई जी लोग पूरा लोकगीत या पूरा माहौल हम लोग सब भाई लोग बैठते घर में या पूरा परिवार में संगीतमय माहौल बनता है ना, पुराना लोकगीत हमारा अपना हम घर गाना था। तो फिर मैं जब मैं देखो थो कि शुरुआत मैं दौर बता बताऊँ आपने कि जब चंद्र सिंह राही जी या दिनेश उनियाल हमारा टेरी को बहुत ही सुप्रसिद्ध ऐसे गायक था, वही टाइम पर मैं स्कूल जब जान छो सात आठ क्लास में तो दिल्ली में, तो जब वो प्रोग्राम होता जी बड़ा बड़ा गायकों का मैं हम लोग थे कार्यक्रम देखने को मौका मिलता छो, तो जब हम मैं बोलता हूँ कि भाई ये कभी एक दिन आ लो कि हम ये मंच पर मैं अपन ये गीत प्रस्तुत करूँ और पब्लिक के सामने कभी ये मतलब बिल्कुल ये नहीं लगा कि यार मुश्किल। जब जगदीश बखरोला जी या राय जी मंच पर गाना छा, तो जब ये गान का बात पिछड़ी हम छा बैक स्टेज, तो मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनती करता हूँ कि भाई मैंने भी बड़ा पहुँच होते हैं मतलब बड़ा ये लगता हूँ कि भाई यूँ का नज़दीक जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी है ना, कि मैं तो एक कभी एक गाँव मंच पर या मैं भी कलाकार बन जाऊँ, तो ये लोग वो समय था उनमें क्या वो खैर मैं कह के बुरा ही नहीं करूँ, बहुत बड़ा महान कलाकार थे वो लोग, लेकिन कभी बहुत साल लगे दुई चार साल मैं तय मंच पर आना और आए भी कर कौन बड़ा मुश्किल से, मतलब कि एक छोटा सा प्रोग्राम रामलीला जी हमारे जब मेरा बड़ा भाई लोग रामलीला था, तो वही मंच पर ये कलाकार आए वीरेंद्र डंगवाल जी, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कलाकार थे है ना, शुरू में जब ये आए थे मंच पर जगतम्मा कंसवाल बहुत सारा गायक था यू राय जी, तो वही टाइम पर क्योंकि वो मंच तो हमारा मतलब हमारी मंडल वही को कॉलोनी को या रामलीला को मंच तो वही पर मैं तो ये गाने को मौका मिल गई ये लोगों के सामने, तो वह हम वीरेंद्र डंगवाल जी ने बहुत सारा उन्होंने भाई ये कलाकार जो है ये कलाकार बन सकते ये की आवाज़ बढ़िया था, तो वही दिन मैंने लगी कि वाकई मैं कलाकार बन गई हूँ, जब मुझे कहते हैं प्रोत्साहन मिल दो तो प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है जी जी है ना, कोई बोल दो कि चल बेटा तू कलाकार बन सक दो, तो वही दिन मैंने लगी कि मैं वाकई बन जाऊँ, और ये नहीं मैं संघर्ष शुरू में बहुत रही क्योंकि मैं बता दूँ क्योंकि हमारा परिवार एक पिताजी घर में जी था कोई ज़्यादा कोई नौकरी वोकरी या घर में ना, तो बड़ा संघर्ष रहे पुराना रहे शुरू में जी क्योंकि वो मेरी पैसा बिल्कुल नहीं था मतलब कलाकार लेन के तुम एक शौक पूरा करा, और शौक ही शौक माँ देखो आर्थिकी भी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि तो हम लोग प्रदेश में छा, और फिर घर को माहौल छो कि ज़्यादा कोई कमांडर भी नहीं था, तो हम यार कोशिश भी करे कि चलो कुछ ये लेन में हो जाओ करते 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 करते, तो जब शुरू मंच मिले तो शिवदत्त पंत जी उनको मैं एहसान जिंदगी भर रख लूँ, और जब मैं शुरुआत दौर में उनको मंच उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच एक दिल्ली में बहुत उम्री नाम छो को, तो वही मंच पर मैं तो जानू को मीना राणा वही एक दिन गाने को छे मंच पर गाणी, तो ये नो मतलब शुरुआत दौर पर, और चंद्र सिंह पंवार भी एक गायक है वो कभी एहसान मैं जिंदगी रख लूँ कि शुरुआत दौर पर थोड़ा आते जी शुरुआत बहुत कठिन दौर हों बहुत मतलब कठिन मतलब बहुत है ना बहुत प्रयासरत दौर हों, तो चंद्र सिंह पंवार जी मैं तो अचानक कि नीलम कैसेट में तो उसे मैंने बोला मैं रिकॉर्डिंग करनी भाई मैंने कैसेट कर बनाने अपने ये से, तो तब चंद्र सिंह पंवार जी मैं तो लेकिन मीना राणा का घर
तो उबरी मीना राणा की पहली कैसेट की रिहर्सल थे बड़ी नौनी पिछाड़ी की नौनी मैं तो याद एक फिल्म थे बड़ी वह मुझे वो ग्राउंड चाहिए गाने रिहर्सल चाहिए फिर अपने मेरे परिचय भी मैं भी गायक बनना चाहता हूँ चंद्र सिंह पवार जी मैं मिलाई तो हम जब शुरू मेरी आवाज़ सुने मुझे है ना तो मैं दिनेश सुनाल जी को बहुत बड़ा फैन छूँ तो उनके जो शुरुआती गाना चाहो उबरे मुझे गाना चाहूँ मैं चौबी खिली बन गई है ना क्या गाना चाहूँगा तो मैंने वो गाना गाई उनका गाना तो मैं बोल रही भाई आवाज़ लड़के आवाज़ बहुत अच्छी भाई तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो फिर चंद्र सिंह पवार जी ने मेरी रिहर्सल करवाई है ना तो बोले जो थोड़ा बहुत भाई खर्च कुछ लग लो भाई तो ये टाइम पर थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपये अपना मुंडे फड़े जुगाड़ करते हैं कच कर करके रिकॉर्डिंग कराया अपनी तो पहली कैसेट जब मैं रिकॉर्डिंग हुई तो वह दिन मैं तो लगी वाकई मैं तो आज पता नहीं कख पहुँच गया जब मैं उनका नज़दीक गई उनका लगा उससे जुड़े हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा उनसे नज़दीकी बड़ी पता लगे कलाकार कलाकार को जीवन क्यों हों है ना यानी कलाकार कोई अलग से उनको कोई परिचय नहीं होता या अलग से कई देश बड़े नहीं आया होता हमारा बीच का ये कलाकार बन दें लेकिन कलाकार को सबसे पहले कि अपना स्वभाव अपना व्यवहार बहुत बढ़िया होना चाहता हम मैंने कोशिश करी कि शुरू बेटी अपना व्यवहार बहुत सौम्य वो इतने बोलते हैं लोग कलाकार बहुत सौम्य ढंग से करे और जब रिकॉर्डिंग बात चली रिहर्सल बहुत हुई कर दी पहली कैसेट मेरी कमला छोरी नाम से निकले थे बहुत सुपर और हुए थे टाइम पर कैसेट ना तो जब वो कैसेट चली फिर दूसरी कैसेट फिर हमने कहा यार कैसेट चली गई तो यू की कैसेट पर वो हमने निकालते उसके बाद फिर परिचय मेरे शुरू हुए यूँ कलाकारों से मिल लूँ जल लूँ फिर कंपनियों से परिचय हुई सेकेंड कैसेट जब मेरी निकलती नीलावा पछाण और चंबा बाजार तो चंबा बाजार से मैं बहुत प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई और फिर पंत जी ने बताया उत्तराखंड सांस्कृतिक कला मंच वह मंच से मैं जुड़ू हुई और वह मंच से मैं जो उत्तराखंड मंच प्रसिद्धिकरण को मौका मिली और प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई तो आज आपका सामने दिन पर दिन संघर्ष में जीवंत रंग खैर और वो जीवन ही नहीं जैम संघर्ष नहीं भाभी जी एक सवाल आपसे भेजा तो भाभी जी आप इन बताओ हमते हैं कि आपका शादी हुआ यहाँ कति वर्ष हुए और आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है हमारा ब्याह हुआ यहाँ 22-23 साल लेकिन अरेंज मैरिज है हमारा जीवन बहुत सुखी से छा गोसाई जी आपन हमारा उत्तराखंडी कला जगत में अपनी जगह कन के बनाई और कन के प्रसिद्धि मिली आपते जी 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 प्रसिद्धि कोई आसानी से नहीं मिलती ननौत से बात बहुत लगन बहुत मेहनत और हम तो यहाँ अच्छा जब शुरुआती दौर मेरे छो मंच पर जब पहले गाना मैंने गाई तो वह दिन इतना कंप कंप ही हाथों छे होने आप तो क्योंकि वो सीन याद छो कि वाकई मतलब दो हाथों भी मैंने मैक पकड़ी और तभी मैक इन छोड़ उस शुरुआती तो सबको हों मेरे नहीं क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने में बहुत ठोकर लगी बहुत अवाट गए बहुत कांडा वाला पाट गए कांडा भी चुके है ना लेकिन फूल तभी मिल दन जब कांड चुगला पहले जी सर अब हम कई डाल से फूल चुनो या कुछ भी हम करते हो तो कांडो तो हाथ पर चुप दे लेकिन हम तो फूल निकालने जैते फूल निकालने को एक जुनून हो एक जज्बा बोलो वही प्रसिद्ध कह सको तो बहुत ही संघर्ष पूर्ण मारू जीवन रंधो और रहे कलाकारों सब रहे लगभग मैं हम दिखे तो जब पहले कैसेट हम निकाले चंद्र सिंह पवार जी के माध्यम से तो जब कैसेट चली कमला छुरी गीत प्रसिद्ध हुए तो नीलम कैसेट के माध्यम से अनिल बिश जी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई तब नीलम कैसेट में हमारी दोस्ती हुई क्योंकि उनकी पाव बाजार और मेरी चम्मा बाजार हिट कैसेट हुई हमारी वो क्या हमारे दोस्त हुए थे तो तब हम तो क्या करेंगे सन 2000 में वीडियो को नीलम कैसेट में हमते जुम्मा देनी कि आपने यू जो एल्बम्स हैं यूँ को वीडियो बनाने और क्योंकि अनिल बिश जी डांस डायरेक्टर बहुत अच्छे नौ मंच में वो बहुत बड़ा नौ तो वे पहली एल्बम हम उन फिल्माएँ कल्पना चौहान की 12 मास विज्ञापन देनी अखबारों में या उंडा फंडे तो बहुत कलाकार नए कलाकार जो थे जो जो शौक छो मतलब कि हमने एक्टिंग करनी तो वो लोग आए और वक्त इंटरव्यू उनको लेने हम अनिल बिश जी मैन हम तो नए नए पन्नों को चाहिए धर्मेंद्र चौहान जयपाल ने जो आज प्रसिद्ध कलाकार से सब वही इंटरव्यू में आए अब अचानक एक दिन के मैंने बिश जी ने मैं बोली यार कदम तू अच्छा बना है दिखने का आया तो एक्टिंग मुझे लगता है तू कर सकता है मैंने बोले भाई यार क्या है एक्टिंग यार देखते अजमाते हैं बोलते कोई है ना तो मैंने कहा ठीक है यार अब तेरी भोले अनवार एक बल तू यार फौजी किरदार कर तेरी भोले अनवार को कश्मीर बॉर्डर में आप ही लड़ लूँ ऐसे ये गाना का बोल था तो सुपर डुपर उगाऊँ और लोगों ने बड़ो सराहे मैं तो फौजी किरदार यार ये फौज उसके बाद जो नीलम से मैं लगातार 3-4 एल्बम और फौजी किरदार मैंने निभाई तो फिर तब दौर यू आई कि जब मैं लिखना शुरू करी लोगों के बीच मेरी प्रसिद्धि मिलनी शुरू होगी फिर फिल्म को दौर शुरू हुई
वीडियो फिल्म में। फिर हमने मेरे यार क्यों नहीं हम मैं जब मैंने एक्टिंग अपने सामने मैंने अपने अभिनय देखी अभिनय क्या करने चाहिए अभिनय तो बहुत बड़ी चीज़ है हम कोशिश थोड़ा बहुत करें थोड़ा कर लोगों के बीच में पहचान बनाने की। तो जब अभिनय मैंने देखेगा मैं कर सकता हूँ। देखो जब तक कलाकार थे आप पर विश्वास नहीं तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर्वप्रथम आप पर विश्वास कि मैं कर सकता हूँ जी। अरे हर यानी अगर नेगेटिव थिंग हमारे लिए कि ना मेरा बसों को नहीं मेरा बसों को नहीं तो कभी नहीं बसों को ना जिंदगी में कुछ भी नहीं बसों। तो हमने पॉजिटिव थिंग शुरू कर देखी और मैंने कहा कि फिल्म लिखना शुरू करी स्क्रिप्ट खुद लिखे पहली फिल्म सॉन्ग जड़ा तो संजीता कुकरे थी हम थे आर्टिस्ट मिले क्योंकि एल्बम का हम एक साथ काम करते थे। तो जब वो एक पेपर पागल को किरदार निभाए संजीता हम लोगों हमारी केमिस्ट्री जब आपस में हुई और बहुत अच्छा तालमेल हमारे मिले तो वो फिल्म जब करें हम तो आप यकीन नहीं करना मजाक माँ और बड़ा फ्रेंडली ढंग से हम राजू नेगी मेरे बहुत से दोस्त है राजू दिल्ली माँ तो मेरे साथ सहायक वेन करी निर्देशक मैं आपको नहीं बोल दूँ निर्देशक बहुत अच्छी चीज़ है वो मैं बताया कि बहुत कुछ सीखने पड़ दूँ। अगर मैं प्रसिद्धि की बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रसिद्धि जो मैं मिली वो फिल्म कैकाबान जगह निर्देशक सन प्रदीप भंडारी जी और बहुत अच्छे निर्देशन और बहुत अच्छे उनको स्क्रिप्ट राइटिंग वो फिल्म में अच्छा है वैसी क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी होने बहुत जरूरी तभी तो कोई कलाकार वो अच्छा काम कर सकते और मेरी जो वो मैं नायिका है मेरे साथ में रजत को दी बहुत अच्छे कलाकार और बहुत अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में रहे और वह बाद लगातार जो फिल्म सिपाही का सॉन्ग मेरे गाँव बहुत सारी प्रसिद्धि मैं तय मिली। लेकिन विशेषकर मैं कैकाबाना को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भंडारी जी को जो मैं तय वह माँ मौका देनी नायक का रूप में। और एल्बम की बात करूँ तो कम से कम 15-20 एल्बम तो मेरी बाजार में आए लेकिन जो प्रसिद्धि की बात करूँ तो छमनाट चंदना मेरा पहाड़ आए या बांसुरी का गीत हो वह और चम्मा बाजार यूँ गीतों तो मैं थे यूँ बहुत प्रसिद्ध मिले। तो बाप जी आपसे हमारे एक सवाल चाह कि आप एक सुपरस्टार की धर्मपत्नी चाह तो अगर जन कि आप चार लोगों के बीच में जान दे और हूँ की चर्चा चलनी हूँ की तारीफ होनी चाह तो आपने कल लग दू फिर मैं तो बहुत अच्छा लग दू बस मैं ये नहीं चाहूँ कि भगवान की कृपा हम पर बनी रहो। तो गोसाई जी जन कि आपका द्वारा गया गीत मार्केट में बहुत प्रसिद्ध छन तो आप जो गीत मतलब अच्छा लग दो वे गीत का आप दुई लाइन हम तो सुने सकदा। देख भाई ऐसा ना कलाकार थे राइटर थे गायक थे अपना सभी गीत प्यारा होना बिल्कुल है ना पर फिर भी प्यारा मन थोड़ा और प्यारो। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या बना फिल्म को गीत मतलब बहुत पसंद है जो मैंने गाया था धरती उत्तराखंड की। अच्छा 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 दिल लाइन सुनो आप बिल्कुल सुन धरती या उत्तराखंड की हो माटी या मेरा पहाड़ की कति गारा तेरी अरे स्वाणी हाँ स्वाणी कतिगा पावन बरदानी ओ हो धरती या उत्तराखंड की हो माटी या मेरा पहाड़ की हाँ कति गारा तेरी अरे स्वाणी हाँ स्वाणी कतिगा पावन वरदानी। और एक गीत और अच्छा, अच्छा। फिल्म सौंजड़ा अच्छा। जो मेरी पहली फिल्म चाह मतलब बहुत पसंद हो गीत पहले मैंने गाए छो लेकिन मैं डमी गाए उसके बाद संजय कुमोला जी जो प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने गाए माया की डाली मीन से तिपारी माया की डाली मीन से तिपारी मैंने नी जानिया माया टूट जाली मैंने नी जानिया मैं सिरूट जाली माया की डाली मैंने से तिपारी माया की डाली मैंने से तिपारी ना बहुत सारा गीत बहुत 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 धन्यवाद आपको। हाँ गोसाई जी जन की हम देखना चाहे कि हमारे पूर्व उत्तराखंड पहाड़ छोड़ी गए सैर पलायन करना चाह और जबकि आप दिल्ली छोड़ी के यहाँ बड़ा गाँव में बस गए ये के बारे में हम तक कुछ बतावा। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके द्वारा यानी कोई
मेरे ख्याल से उत्तराखंड न्यू होलू, उत्तराखंड न्यू होलू जैते अपना गांव से प्रेम नहीं, अपना क्षेत्र से अपना समाज से प्रेम नहीं होलू, और मैं तो भी वही प्रेम अपना गांव खींच लिया है। क्योंकि मैं बताया कि 20-21 साल दिल्ली शहर में रहने का बाद क्योंकि पढ़ाई का वास्ता जान पड़े और वक्त जैते बहुत कुछ सीखे मन, क्योंकि बहर कुछ सीखने जीवन में कुछ आगे बढ़ने तो बहर भी हमते जाने पड़ दो, तो दिल्ली रहे हूँ तो बहुत कुछ सीखे वक्त वह का बाद, लेकिन अपनों जो उत्तराखंड प्रेम और अपनों जो गांव को भाईचारा गांव में जो भाई बंदी वैसे वो प्रेम में तें घर खींच ले आई। और फिर हम 20-22 साल दिल्ली में रहने का बाद अपना प्यारा शहर ये छोटा सा नगर छो ग्रामीण शहर छे चंबा बाजार जी, वो चंबा में आए तो आप तें थोड़ा सा हम स्थापित करने में थोड़ा टाइम लगी, आज मैं तय करीबन 8-10 साल यखाए होगी। वह बाद जब चम्मा में आए तो हम मेरे छोटे भाई रवि गुसाई पहले बेटी मीडिया चैनल से हिमलवाणी सामुदायिक रेडियो है तो वैसे जुड़े थे सामुदायिक खातर बहुत कुछ लोग पूरी टीमों की 15-20 लोग छन पूरी टीम काम करने गाँव गाँव जाना गाँव समाज से जुड़िया आम लोगों का जो जीवन परिचय छो लोगों को जो दिनचर्या छा जो हमारे खेती बाड़ी छन वो लोग काम कर दन सामुदायिक रेडियो का माध्यम से। तो फिर जब मैं घर में आया हूँ तो मैं भी ऊँचो थोड़ा सा इम्प्रेस हुई हूँ जुड़े कि कलाकार के साथ साथ कने हम अपना जो हम बोलते हैं लोक कलाकार, लेकिन लोक कलाकार एक घर बैठे और एक शहर में बैठे मेरे ख्याल से लोक कलाकार उन्हीं बन सकते एक सच्चू लोक कलाकार जब तक हम लोगों की भावनाएं नहीं जान ला लोगों का जो उनसे मिलते हैं उनसे परिचय उनको परिचय है कि कन उनको रहन सहन उनको जो सामाजिक कारोबार जन सौकार उनसे जुड़े जुड़े थे तभी हम लोग कलाकार बनला। और मैं जब चम्मा आयूँ फिर अपना गाँव में जी गाँव से लोगों से जुड़े उनकी जीवनचर्या देखे तो बहुत ही कठिनाई खैर अब उतना नहीं जानी पहले बन चाहिए क्योंकि जंगल बिटी लाखड़ा घास लाणू तंत्र नीचा पर फिर भी अभी तक बहुत कुछ कठिनाई छन सुबह शाम तक वो लोग दिन भर सुबह भी 4 बजे उनकी सुबह हो जाती और शाम कब होती काम बच्चों के दगड़ी अपना काम का भैंसा गोरू दगड़ी उलझा। तो जब मैं उस लोगों से जुड़े हूँ तो कुछ अच्छा गीत बने बिल्कुल हमारा जो गीत बनना ना हमारा बिल्कुल हमारा वो प्रवेश है गाँव को वो जैसे आप अपने आप में इन्हें गीत इन्हें शब्द आप इन्हें लाखों हजारों शब्द जो है ना आपते अपना आप ही स्वतः आ जाला जब आप इस समाज में जुड़ला। तो मैं भी जब गांव आया हूँ तो जब वो गांव में जाए तो कुछ ना गीत बने फिर उन लोगों से फिर वो कि अपना भी स्वतः आदमी जुड़ जाऊँ उन लोगों से तो यही मेरी भी यो गाँव को जो यो मैं गाँव आया हूँ। गुसाई जी आप गायन का दगड़ा दगड़ा में निर्देशक लेखक और भी बहुत सारा काम एक साथ का ना कर लिया मतलब एक बार में हमें कुछ बतावा जी सनोज भाई आप लोग भी कलाकार छन बिल्कुल और आप जानते हैं ना कि हमारो डालो एक ही छी भले ये फंगोड़ा बोला ना तो शाखाएं अलग अलग छन लेकिन पेड़ एक ही छी वो नहीं हमारो संगीत क्षेत्र जो छा ये हमारे जो गायन संगीत का तीन प्रकार होंगे एक परिभाषा तीन होंगी नृत्य गायन और वादन गायन वादन नृत्य। तो ये सब जब तीनों विधाओं में आप मास्टर कर दें या आप ऊँते जानकारी बहुत जरूरी हुई चाहिए आते हैं लेखन भी इतना आसान नहीं बहुत क्योंकि फिल्म लेखन खासतर पटकथा लेकिन मैंने केवल आते हैं जब हम लोग गांव समाज से जुड़ला है ना अपना क्षेत्र अपना गांव बेटी तो अब स्वतः ही आपने मतलब इन्हें स्टोरी इन्हें आपने कथा इन्हें कहानी अपना आस पास ही मिल जाली तो ये नहीं मैंने कोशिश करी और ये नहीं जहाँ जो फिल्म लिखी सौ जड़ा सिपाही का सौ एक सिपाही का जीवन पर कन कन हुए थे बॉर्डर पर हुए थे जान पड़ दो और ये बिल्कुल बर्फीली डांडे कांटे माऊँ रात भर ड्यूटी जान पड़ देने और जब वो लोग जागदन तभी हम लोग चैन से चंदूँ। तो ये नहीं प्रोफेसर मैंने एक सिपाही का सॉन्ग लिखी एक मौसण माँ फिल्म लिखी फिर मैंने देखे कि हमारा वाकई मेरे दोस्त ने पौड़ीगढ़ माँ तो वो कि मौसण माँ छा लेकिन हमारो कुछ समाज में छपे लोग की मौसण माँ खराब ही होती जरूरी नहीं जी जी। है ना कई माँ बहुत अच्छी होते हैं माँ की ममता तो मैंने उन्हें दिखाया कि वो मौसण माँ वो जो बहुत अपना वो जो मौसण लड़का हों वह बहुत अच्छी निकल दी और वो माँ बेटों की बहुत अच्छी बन गया आपस में क्योंकि मैंने साक्षात सामने देखी ये नहीं मेरी फिल्म सौ जड़ा क्योंकि जो मैं जो घटना घटे समाज में वो कहीं ना कहीं दोस्तों के माध्यम से या कहीं ना कहीं माध्यम से कथा सुने या वो बारे में जानी तो मैंने अपना लेखन उतारी और सीधी सपाट कोई या नहीं कोई ट्रेनिंग लेनी या कोई बहुत बड़ी वो करी सीधा तरीके से एक सपाट सी स्टोरी लिखी और बाद में जब हम फिल्म देख दूँ या अपना कुछ जानकार लोग छे उनका उनसे पूछी पाछी कि भाई कन कौन हों क्योंकि देखो पूर्ण ज्ञान संपूर्ण कहते नहीं
जी बिल्कुल है ना। और जो पूर्ण ज्ञान था तो मेरे ख्याल से सामने कोई नहीं है, तो इसलिए हम हर कहते हैं हर विधा का बारे में आपस में सलाह मशवरा और टीम वर्क जब हो दो आप पता है कि जब हम कोई फिल्म कर दूँ कोई एल्बम कर दूँ तो कितना लोग 50-100 लोग जुड़े हुए है ना, कोई टेक्नीशियन इतना लोग ना, लेकिन हम कह जान दो खाली एक कैमरामैन एक एक्टर है ना, उनके पिछड़े स्पोर्ट बॉय एक उन कलाकार छो एक मेकअप मैन, ये बहुत सारे ना कलाकार जो कलाकार का बनो मज जूं दई जूं को बहुत बड़ो साथ होंदो जी बिल्कुल, खासकर टेक्नीशियन टीम है ना कलाकार की जो अब देखा वो की फोटो कंच होनी वे को एंगल कैचा की छा पहनाव कैचा हर चीज मतलब है ना, तो उनको भी हिस्सा होंदो तभी जीते हैं एक कलाकार पूर्ण कलाकार बनी पौंदो। तो जीवन का जी जी गोसाई जी आप अभी वर्तमान में आपड़ा गांव का प्रधान छा और निर्विरोध चुने गए जी जी, और कई सारे क्षेत्र संगठनों का आप अध्यक्ष भी छा, तो मतलब इतना सारी जिम्मेदारी आपका ना क्या उठे लेना जी जी जी। मैं आप बताया आप कि देखो भगवान को आशीर्वाद और पितरों को आशीर्वाद जो पर हूँ वो कभी लोग हार नहीं मानता, तो मानी मैंने भी हमेशा दिमाग में एक लगन मेहनत और ईमानदारी से आगने बढ़ू कोई एक ठानी, और जब मैं गांव पहुंची तो हमारा गांव में बड़ो प्रेम मैं दिनी और ये हमारा जो गांव का वरिष्ठ लोग छन बुजुर्ग लोग छन कुछ हमारा युवा साथी छन सब मैं एक प्रोत्साहन एक पुशअप करी और मैं एक विश्वास जगाई कि भाई जी अब रे आप प्रधान के लिए उठा, और क्योंकि आपकी मुंडे अपने जान पहचान छा हम क्योंकि हम कलाकार के माध्यम से हम पूरा क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड में कि अपना खासकर अपना क्षेत्र में अपना जिला में तो बहुत अच्छी पकड़ है हमारी क्योंकि कलाकार के माध्यम से जी जी भगवान हमने कलाकार बनाई, और तब जैसे मैंने भी एक विश्वास करी जब हमारा गाँव का लोग बोलना छा तो लोगों ने अपना गाँव बेटिया मैं बिल्कुल निर्विरोध प्रधान मैं बनाए और मैं विश्वास कर बिल्कुल खड़ू दोनों चाहूँ। आज मेरे 4 साल लेकिन गाँव समाज में जो भी छोटा बड़ा कार्य गांव का होंदन या हमारा भाई बंधु का होंदन कभी कोई लोग मैं से निराश नहीं हुई, और बहुत सारा जो छोटा मोटा कार्य जो भी गांव होंदन गांव का वे प्रति मैंने गांव को विकास के खातिर दिन पर दिन हम आगे बढ़ाना चाहूँ, क्योंकि अभी हम मुख्यमंत्री द्वारा हम 2-3 प्रधान होते हैं प्रोत्साहन राशि भी दिए गई और प्रोत्साहित किए गए अच्छा काम करने का वास्ता, और भी जो क्षेत्रीय संगठन आपने बोली कि वाकई में जिम्मेवारी बहुत अच्छा लेकिन जिम्मेदारी तो मिल जाती और जिम्मेदारी वही मिलती है जैसे लोग समझ दें कि वाकई यू वही जिम्मेदारी लायक है और वह पद को निर्वाह अच्छे ढंग से कर लो, और ये ना हमारा जो ना हमारा अभिभावक संघ का जो सदस्य संगठन उनको अध्यक्ष में बनाई गई या हमारा जो क्षेत्रीय संगठन अभी हमारे एक क्या नाम हेमल घाटी नव जागृति समिति वह को अध्यक्ष में बनाई गई, एक नागदेव सुविचार समिति से हमारा क्षेत्र में वह को अध्यक्ष में बनाई, तो मैं सभी लोगों को मिलते हैं और सबका सहयोग से एक क्षेत्र में बहुत विकासरत हमारा क्षेत्र होना चाहिए हेमल घाटी और नागदेव पथर ताकि लेकिन सहयोग सबको मिल दो तभी कुछ काम हो दो। गोसाई जी आप अपने एडल कहते मानदा जब तक एडल की बात तो मेरा जीवन में प्रारंभिक जीवन छो और धीरे धीरे जो अग्नि जन बढ़े हम लोग तो शिवदत्त पंत जी कुमाऊँ का बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार छन तो वो मेरा आइडल छन और उनसे बहुत बहुत अच्छे आइडिया मैं मिली और उनसे मैं उनकी जो अपना जीवन शैली जीवन को तरीका या अपने परिस्थिति को तरीका या अपना परिवार के जो माहौल को उनको बनाई हुई तो पंत जी से मैं बहुत इम्प्रेस हुई, और उसके बाद वीडियो को दौर जब आई जब अनिल बिश जी से मुलाकात हुई तो उसके बाद अनिल बिश जी को मेरा लाइफ में बहुत बड़ो सहयोग छा और मेरा आइडल मान दो अनिल बिश सिद्धत पंत, और उसके बाद हम दुई भाई रवि गोसाई और पदम गोसाई। गोसाई जी जन के हम देखना रहेंदा आप हमारा उत्तराखंड का कलाकारों का वास्ता कुछ ना कुछ नया करना रहेंदा, जन की कुछ टाइम पहले आपन चंबा में एक संगीत विद्यालय ओपन करी और हाल में ही यू रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपन या के चंबा में हमारा उत्तराखंड कलाकारों का वास्ता खोली जी, तो आप मतलब लगे रहना हर बार मतलब कुछ ना कुछ नया करना को देखने को मिल रहा आपको तो लगे रहना आप तो बहुत अच्छा लग दो हम कि आप कुछ ना कुछ करना चाहें, तो आप ये बारे में हमें कुछ बताओ। कुछ नए तो जरूर हुए चल दो बिल्कुल, और हमारी कोशिश रहती जन आपने बोले कि हर बार नए और संगीत लाइन से क्योंकि 22-23 वर्ष मैं तो जुड़ा हुए जब मैंने पहले बताया हूँ, और हमारा जो इतना प्रतिभा छन दूर दराज का गाँव में क्योंकि हम अक्सर जो कार्यक्रम कर दूँ या कार्यक्रम का माध्यम से या शूटिंग का माध्यम से या कई अन्य कई सामाजिक कार्यक्रम का माध्यम से हम तो दूर दूर गाँव जाने को मौका मिल दूँ, तो हम देखते हूँ कि इतना अच्छा कलाकार छन लेकिन क्या उन्हें रास्ता नहीं मिल दूँ मार्ग नहीं मिल दूँ, और अगर कोई रिकॉर्डिंग भी कर जा दूँ और कोई संगीत की बारीकियाँ जो कि हमारी जो नई पीढ़ी छन जो हमारे पाश्चात संगीत छ आधुनिक संगीत छ वह मतलब सब जान दन नाच दन जो हिंदी गाना या पंजाबी गाना, लेकिन गढ़वाली गानों में कितना होने लगे हूँ कि अगर वो
कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कुछ चीज उनके बारे में जानना चाहते हैं, हमारा जो पौराणिक गीत छन या हमारा थड़िया चौपला या हमारा लोक नृत्य लोकगीत उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं, लेकिन वो तो क्यों दूँ क्योंकि यू नो कोई विद्यालय या नो कोई प्रोत्साहन या नो कोई वर्कशॉप निमिल कोई कार्यशाला तो हम कोशिश करें कि अपना चंबा एक सेंटर पॉइंट से चंबा केंद्र बिंदु उत्तरकाशी घनसाली या तमाम जो शहर छन हमारा लगे लोकल जो लोग छन वो तो एक सुविधा मिल जाओ और अपना एक विद्यालय हम खोले संगीत विद्यालय, संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत शास्त्र हमारा बेसिक बिल्कुल है ना, वह बार हम समझो हमारा लोग हम क्या स्टार्टिंग में निःशुल्क जी क्योंकि हमते संस्कृति विभाग बैठे थोड़ा सा हमते प्रोत्साहन राशि मिलते हैं कि आप यहाँ प्रतिभाओं से आगे बढ़ावा जी, तो हम उनके करें कि अपने विद्यालय के माध्यम से बहुत यम लड़का लड़की या यम आयन फिर हमने एक कोशिश करी मैंने कि जो आपने बताया कि छोड़ा अपन की स्टूडियो खोली जी, अभी हाल में एक साल हम तक हुई हम फिर मैंने सोची कि विद्यालय चला ठीक है प्रतिभा हम ऑनशन लगी लेकिन स्टूडियो का वास्ता बहुत जरूरत है क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग जी अब हमारा जो गायमैन देखे ना हमारा जो कलाकार छन बहुत ही खर्चा कदा आर्थिक रूप से भी कई वो कला बहुत है लेकिन आर्थिक रूप से बहुत तंग होना है ना, अगर वो दिल्ली रिकॉर्डिंग का वास्ता जाना था या कहीं देहरादून आप तो देहरादून काफ़ी स्टूडियो है फिर भी वो तो वो सुविधा नहीं मिलती थे क्योंकि आप क्यों कि कहीं होटल को खाना खा ला कहीं कमरा वमरा ला बहुत ज़्यादा वो तो अगर उनको 5,000 खर्चा हो तो डबल हो जाता हूँ वो 10,000 हो जाता हूँ, यह मैंने तो सुविधा दी नहीं यम हमारो आम हवा छा वातावरण छा चंबा को है ना यम कहीं पसंदा का धारा नहीं छन और बड़े शांत वैसे मन से वो गाँव में गाला ये का वास्ता कि ताकि नए उभरता कलाकार होते हैं सुविधा मिल जाओ और यम हम रिकॉर्डिंग का वास्ता उनकी रिकॉर्डिंग करूं और यन भी अब कई है ना चैनल हुए जो जो रिकॉर्डिंग गाना तय बहर निकालना छन अपना चैनल का माध्यम से बहुत से हमारा संपर्क छन तो हम क्या करते हैं वो कलाकार होते हैं आसानी से वो चैनल तक पहुँचा दे दूँ जन की आपको ये एनपी फिल्म छा बहुत ही अच्छा काम यू करना छा और ये का ये चैनल का माध्यम से भी बहुत सारा हमारा उभरता कलाकार और जो बहुत चर्चित कलाकार छे वो सामने रूबरू होना चाहिए। कद का समय हुआ आपने ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोले एक बार कद का लोग आपसे जुड़िया और क्या रिजल्ट अभी तक मतलब सनोज भाई कोई भी काम करा वो रिकॉर्डिंग हो या कोई अपना लाइफ कोई भी काम हो समय तो लग दो है ना, और हम तो अभी लगभग एक साल होने वाले छे स्टूडियो खोले और प्रचार प्रसार भी बहुत वही छे हमारो काफ़ी सराहना हम तय मिली हमारा जो उत्तराखंड का लोक कलाकार छन और वरिष्ठ कलाकार छन सब सबको हम तय प्यार और सहयोग मिलना छा सब हम तय आश्वासन दियो छा कि भूसाई जी आपने बहुत अच्छा काम करी हमारा जो लोकल कलाकार छन हमारा जो क्षेत्रीय कलाकार छन या आसपास का सब तय बहुत बढ़िया वो तय एक प्लेटफॉर्म यम मिली और रिकॉर्डिंग हम भी आप तक सहयोग कर ला और अब तक हम ये खुद ही लगा छो ये काम पर क्योंकि हम क्योंकि संगीत परिवार से हम छो आप जान रहे हैं ना बहुत साल लगा छो और मेरा साथ साथ मेरे बेटा सुमित गुसाई लेकिन कोशिश करनी चाहिए और कोशिश क्या आप जान देंगे तबला वहाँ काफ़ी जो है लोग सराहना करता और कोशिश में फिर भी क्योंकि संगीत इन चीज़ कि जो कभी पूर्ण संगीतज्ञ कोई नहीं बन सकता है ना, तानसेन जी भी बोलिक जाएगा कि वो स्वर्गवास हो लेकिन वो बोलिक जाएगा ना कि भाई मैं काश मैं कुछ और सीख पाऊँ है ना, तो संगीत बहुत अथा समुद्र छा और जितना सीखा उतना कम में कम छा हमने कोशिश करी अपनों जो हमारे उत्तराखंड संस्कृति छा वह थे अपना बच्चों थे हमने सिखाई कि बेटा पहले अपने फोक वह हम तो मजबूती मिल ली तब हम लोग क्लासिकल या शास्त्रीय पर जवाब लेकिन अपने ऊपर न्यू जो ना पैकेट ढूंगी वो अगर मजबूत नहीं होली तो हम आगे कहीं बढ़ला तो कोशिश करना चाहिए और तबला का साथ साथ कीबोर्ड पैड सब कुछ मतलब रिकॉर्डिंग भी अब देखा खुद ही अभी थोड़ा सीखने की कोशिश करना चाहिए और हम चार पाँच रिकॉर्डिंग लगभग हम एक करा ली और जब कि अभी मेरी खुद रिकॉर्डिंग अभी बहुत जल्दी आपकी ये एनपी फिल्म पर हम जोलाई थे ये गाना थे और धूम सिंह रावत या और भी ओम बधानी जी दो चार रिकॉर्डिंग लगभग हम उन करा लें अभी बहर कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई एक कुछला उन्हें आल की हम अभी आपके चैनल का माध्यम से एनपी का माध्यम से वो मेरे उत्तराखंड नाम को गाँव से वो निकाल दी और आपको सहयोग रह लूँ भगवान को आशीर्वाद रह लूँ तो स्टूडियो तक हम बहुत अग्रह बढ़ोला और सब तक बहुत सुविधा यहाँ देवला गुसाई जी हम काफ़ी समय भी देखना चाह आपकी हमारा दर्शकों के बीच में कोई नई प्रस्तुति नहीं आई तो मतलब अभी कुछ ज़्यादा तैयारी चलनी चाह बहुत बढ़िया सवाल से मैंने आपते ही बोले कि जब मैं कोई भी काम कर दूँ
बहुत डीपली वो घुसने की कोशिश कर दूँ और यानी मैं प्रधान जब बने गाँव में विश्वास करी और मौका देने प्रधान पद को देखा पद और कद मिलूँ बहुत भाग्यवान लोग बनन तो हम तो मेरा क्षेत्रवासियों यू मौका देनी तो मैंने सोची कि 23-24 वर्ष बेटी मैं संगीत क्षेत्र में लगातार सक्रिय छन और पूरा परिवार हमारा सक्रिय छ वर्तमान में मेरे बेटा सुमित गुसाई तबला में बहुत अच्छा नाम कमाने छे मैंने कहा अपनी जो अगली पीढ़ी छा वो तो थोड़ा सा जुम्मेवारी दी अली कि तुम लगे आना बेटो मैं थोड़ा सा गाँव वालों मौका देनी तो मैं थोड़ा सा प्रधानगिरी की तरफ या गाँव की तरफ थोड़ा सा क्योंकि विकासरत गाँव तो तभी होलो जब प्रधान या प्रतिनिधि लोग वो क्षेत्र में ध्यान देला छोटी मोटी बहुत समस्या होंगे गाँव में तो मैंने पूर्व आज 4 साल हो गए प्रधान बनाया 1 साल और रहेगी 4 साल में बिल्कुल ये पद को बहुत अच्छी तरह से मैं निर्वाह करी और जितना भी समस्या छोटी मोटी समस्या गाँव होते मैंने वो पूरी करने की कोशिश करी और एक अलग सी अपना मुकाम बनाई एक वास्ते हम तो 2-3 प्रधान होते हैं एक मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी करे गए ब्लॉक में अच्छा काम करने का वास्ता तो आपने बताया कि किले एक क्वेश्चन करे आपने कि किले है तो मंच का माध्यम से तो हम मेरे ख्याल से पूरा उत्तराखंड का पूरा देश में उंडे फंडे बहुत सारे जगहों में कार्यक्रम करता हमारी पूरी टीम छा 22-23 लोगों हमारी श्रीदेव सुमन सांस्कृतिक कला मंच नौसी और संस्कृति विभाग में रजिस्टर छा तो गवर्नमेंट्स का प्रोग्राम भी और अपना प्राइवेट प्रोग्राम भी हम बहुत करता लगातार मंच पर जाता और गीत की तैयारी अभी मेरा 2-3 गीत बिल्कुल मार्केट में बहुत जल्दी हमारा जो संगीत प्रेमी लोग छन जो हम तो बहुत प्यार इतना सारे बेटे दियो छा और फिल्म का माध्यम हो एल्बम का माध्यम से हो मुझको प्यार मिल दूँ दर्शकों को हमारा सुनदारों श्रोताओं को तो वही 2-3 गाना एक तो भक्ति क्योंकि मैं भक्ति भावना में बहुत विश्वास करता हूँ और माँ भगवती सुरकुंडा हमारे मैती छो हम माँ सुरकुंडा का बमंडी बोलन मैती जरदारी हम लोग बमंडी मैती छाँ तो और बगासु महादेव हमारा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है तो अभी बहुत जल्दी एनपी फिल्म का माध्यम से वो गीत हमारा दर्शक होते सुनने को मिलूँ तो वो एक गीत की जरा 2-4 लाइन में आपने बता दूँ दो गीत मेरा अनुवाद छन तो जरूर आपके सामने मैं गीत रखना चाहूँ बिल्कुल आपके वास्ते भी और दर्शकों के वास्ते जी 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 देना हो या देना कुलदेव बगासो जो जस दियाले महादेव बगासो देना हो या देना कुलदेव बगासो जो जस दियाले महादेव बगासो मुड़गो डडुर मुड़गो डडुर सारियों मंदिर बण्यू चा मुड़गो डडुर सारियों मंदिर बण्यू चा घरु घरु मा तेरनों को देवा जग्यू चा घरु घरु मा तेरनों को देवा जग्यू चा देना हो या देना कुल देव बगासो जो जस दियाले महादेव बगासो तो बगासु महादेव गीत बहुत सुंदर से और एक गीत और काफलो का बण जी सुने थे हरे चल दो ए दगड़िया काफलो का बण चल दो ए दगड़िया काफलो का बण जोला रे द्वि दगड़िया काफलो खोला काफलो का बण चल दो ए दगड़िया काफलो का बण चल दो ए दगड़िया काफलो का बण द्वि दगड़ी काफलो खोला काफलो का बण द्वि दगड़ी काफलो खोला काफलो का बण झका झोर बणी होली काफलो की डाली झका झोर बणी होली काफलो की डाली चटकारा टपकारा लगे खोला लोण राली अरे खोला लोण राली रह जाली सम लोण रह जाली सम लोण रे रह जाली सम लोण रह जाली सम लोण रे द्वि दगड़िया काफलो खोला काफलो कबण अरे द्वि दगड़िया काफलो खोला काफलो कबण बहुत जल्दी गीत एनपी फिल्म का माध्यम से आपने सुनने को मिला बहुत सुंदर गीत लिखे हो चाह आपको मैं तो पूर्व विश्वास है लोगों तक ये गीत पसंद आ लो और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपना कीमती समय हम तक देनी अब आप हमारा दर्शकों और हमारा कलाकारों का वास्ता अपनी तरफ से कुछ संदेश दे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं कर लूँ एनपी फिल्म को
आप लोग हमारा निवास पर ये चंबा हमारा स्टूडियो में पहुँचे और हमारा साक्षात्कार आपने हमारा दर्शकों से कराई और बधाई शुभकामना अपनी तरफ से पुनः मैं ध्यान चौरू एन पी फिल्म थे। आप लोग बहुत ही अच्छो सराहनीय कार्य आप करना चाहिए लोक संस्कृति के संरक्षण और समर्थन में जो आपको योगदान छ वाकई काबिल तारीफ छ और जो एन पी फिल्म का निर्माता छन और नागेंद्र प्रसाद बहुत ही होनहार एक एडिटर कैमरामैन और बहुमुखी प्रतिभा धनी वो भी सर वाकई और आपकी पूरी टीम जो जो कार्य करने से बहुत अच्छे कार्य आप और हमारा जो पुराना कलाकार हों बहुत चर्चित हों चाहे नया कलाकार हों उनकी प्रतिभा आप हमारा दर्शकों थे रूब ऊँचे करवाना चाहिए और उनके जीवनी के बारे में आप पूरा दर्शकों थे ये दिखाना चाहिए। आपका वास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने बताया कि वो गीत जो मैंने लिखी बहुत अच्छे हमारा मैं बताया कि कलाकार के बाद सब गीत अच्छा होना लेकिन यू लेटेस्ट गीत हमने जो नहीं लिखी और बहुत जल्दी यू दर्शकों के सामने हो लो तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना चाह कि आप देखिए अगर आप हमारा गीत पसंद करना हमारा गीत सुन ला तभी हम कलाकार लोग अच्छा अच्छा गीत और अच्छे अच्छे कहानी फिल्म आपके सामने दे सकला। तो आप सबसे निवेदन चाह कि कलाकार को प्रोत्साहन जरूर आपने बढ़ाए चाहूँ और आप बढ़ाना चाहना कि इतना सालों बेटी आप हमते अपनों प्यार और सहयोग देना चाहें यानी आप दिन रहला और हमारा जो नए पीढ़ी का कलाकार छन उभरता कलाकार छन उनते बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं देना चाहूँ कि बोलो ये क्षेत्र में जरूर आवा संघर्ष तो हों क्योंकि हम उन संघर्ष करी और 23-24-25 साल ये क्षेत्र में निकालना बहुत बड़ी बात छन बहुत कुछ सहन भी पड़ दो खेण भी पड़ दो और इन्हें कांटों भरी राह आपके सामने आले लेकिन आप उन्हें पार करनी अगर आप रुक गए तो आपकी हार हो जाएगी। आप कभी लोक कलाकार बिल्कुल नहीं बन सकता क्योंकि आपने बहुत ही चुनौतियों का सामने आपने करना पड़ो और हमारा जो लोक संस्कृति उत्तराखंड की छा मैंने बदलाव बहुत जरूरी छा समय के हिसाब से वही चलू नए नए गीत नए नए थीम नए नए गाना लेकिन अपनी संस्कृति अपनी बोली भाषा आप जरूर अगर वे मुट्ठी बांधे के वहीं की गेड़ बांधे के रखना तो बोलो अपना लोक संस्कृति तक साथ साथ ज्ञान होनू बहुत जरूरी है। आपने अपना हमारा जो हमारा थड़िया चौपला अपना गीत छन हमारा जो जितना हमारा लोग झुमेलो छन हमारे छोपति हमारे चाँचड़ी झमाकू दुनिया भर का हमारा तांदी है ना इन्हों बहुत गीत छन आप तो उनको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। नए गीतों का साथ साथ आप जरूर आवा लेकिन संघर्ष का साथ साथ आपने अपनों व्यवहार अपनों स्वभाव पब्लिक से अटैचमेंट और अपना गांव समाज से अटैचमेंट जरूर चाहे दूँ तो आपको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद एन पी फिल्म को। दर्शकों आप ते मुलाकात करने लगी आप अपनी राय हम ते जरूर दियावा वैसे पहले आप हमारा एन पी फिल्म ते लाइक करा कमेंट करा सब्सक्राइब करा और यानी हर बार हर दो पर तीन बजे आप ते नए से नए शो देखने को मिला ला। धन्यवाद जय उत्तराखंड।